दोस्तों, मैंने लास्ट दो वीडियो में बोला था कि आपको इंस्टीट्यूट का लेक्चर कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। एक दो मिनट का लेक्चर होगा कि दो मिनट में मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगी आपको। लेकिन आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूट पर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते या ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ओरल और पोस्टल का। हाँ, ओरल और पोस्टल का। ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि ओरल चूज करूँ या पोस्टल। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो भी आप ओरल ही चूज करो। दो बेनिफिटेड होते हैं। ओरल अगर आप चूज करते हो ना, तो आपको सारा नोटिफिकेशन ना इंस्टीट्यूट खुद आपको मिल करता है। बल्कि पोस्टल वालों को ना बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं, जो कि बहुत ही बाद में प्रॉब्लम होने लगती है। बट ओरल वालों को ना सिर्फ टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है, इंस्टीट्यूट के लेक्चर का, स्कैनर का, वेबसाइट का, टेस्ट सीरीज का, सब पता बोलता है ना इंस्टीट्यूट खुद ही मेल करता रहता है। मेरी एक फ्रेंड ने पोस्टल चूज किया था, और मैं तीन फ्रेंड थे, उन्होंने ओरल चूज किया था। एंड सीरियसली उसने पोस्टल चूज करके ना सबसे बड़ी गलती की थी। वो क्लासेस लेती थी, लेकिन उसको ना इंस्टीट्यूट से मेल ना बहुत ही कम आता था। एंड हमको लेक्चर का भी मेल आया, हमको बहुत चीजों का मेल आया। एंड हम लोग, पता है, हम लोग क्लासेस करते नहीं थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आया था हम लोग पढ़ाई कैसे कर रहे। तो बाद में जब हमारे इंस्टीट्यूट का मेल आया ना कि हम कैसे क्या करना है, तो हम लोग बहुत लोग मेल भी नहीं चेक करते। एक्चुअली मैं भी मेल नहीं चेक करती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मेल में ऐसा ऐसा है, और एक बार ग्रुप ज्वाइन करके देखते हैं। मैं ग्रुप ज्वाइन करके देखी, उसमें IDT पढ़ी, DT पढ़ी, मैं ये दो चीज के लिए सर का लेक्चर कभी कभी रिफर करती थी। मुझे कोई टॉपिक नहीं समझता था, मैं सर को डाउट भी पूछती थी, और सर डाउट भी क्लियर करके देते थे। एंड मस्त, बहुत अच्छे सर थे, बाला सर, मुझे उनके लेक्चर बहुत पसंद है। मतलब बेचते भी है अपने लेक्चर, वीडियो लेक्चर भी बेचते हैं, बट उनका रिफर करने से अच्छा आप इंस्टीट्यूट का रिफर करो। कम क्वेश्चन कराते हैं, बट अच्छा कराते हैं। मतलब बोलते ना, हर चैप्टर में से दो तीन क्वेश्चन कराएंगे, चार ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन मस्त कराएंगे। आपका बेसिक तो क्लियर होना है। जैसे हम लोग को कॉलेज में नहीं पढ़ाते, वैसे इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं। मतलब कॉलेज के तरीके से एक बोल सकते हैं कि वो हमको पूरा सम तो करा के नहीं देते, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन रहता है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, वो सर करा के दे देते हैं, जिससे कि हम आगे का पूरा क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं, कॉलेज की तरह, 12th 11th की तरह, ऐसे हो जाता है हमारा। तो आई होप सो कि आपको आप समझ में आ गया होगा कि आपको इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा वेबसाइट चूज करना है। वेबसाइट में जब आप फॉर्म भरने लगने, तो आप ओरल चूज करना, ना कि पोस्टल। और वैसे भी मैं अपने चैनल को मैं पूरा बताने वाली हूँ कि आपको ग्रुप में कब ऐड होना है। ग्रुप का लिंक मैं आपको अपने वीडियो में बता दूंगी, जब ये नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ, नए बच्चों का बैच चालू हो गया। अभी तो हम लोग ने मैंने चेक किया, तो अभी June 2022 के बच्चे ही हैं जो मैंने ग्रुप में ऐड हुई ना, तभी 22 के बच्चे चल रहे हैं। जब वो दिसंबर का ग्रुप बनेगा, तो मैं आपको बता दूंगी, और ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चैनल से बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।